अच्छा बेटा, हमारा जो टॉपिक है दैट इज दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेटा हमने जो फर्स्ट जो सब टॉपिक है दैट इज रिडॉक्स इक्विलिब्रिया, ये हमने आज सीखना है। रिडॉक्स इक्विलिब्रिया, रिडॉक्स इक्विलिब्रिया। और बेटा रिडॉक्स इक्विलिब्रिया के अंदर ये आपको देखें, यहाँ पर ये इक्वेशंस नजर आ रही हैं और आगे इनकी कुछ वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो हम ये सीखेंगे एट द एंड ऑफ लेसन, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इन वैल्यूज का क्या मतलब है। ठीक है, तो लेसन के एंड पे आप इंशाल्लाह बेटा ये चीज समझ चुके होंगे कि ये वैल्यूज आपको क्या बता रही हैं, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू जो है। तो इसके लिए बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द रिडॉक्स इक्विलिब्रिया। रिडॉक्स इक्विलिब्रिया बेटा हम इसको स्टार्ट यहां से करते हैं कि मेरे पास एक बीकर में वाटर है और मैं इस वाटर के अंदर ना मैग्नीशियम मेटल को डिप करता हूं। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए जब मैं मैग्नीशियम को वाटर में डालूंगा बेटा, क्या होगा बताइएगा। ये मैग्नीशियम रिबन है Mg, ये आपके पास वाटर है। मैंने जो ही मैग्नीशियम रिबन को वाटर में डाला तो आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए जी बेटा बताइएगा। शाबाश, फिजिंग सर, रिएक्शन। यस बेटा, रिएक्शन होगा और मैग्नीशियम विल लूज द इलेक्ट्रॉन। तानिया, यस सर, इट विल लूज क्या इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम, यस, ये मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम एटम, दिस विल लूज द इलेक्ट्रॉन। बेटा मैग्नीशियम सॉलिड से Mg2+ में चला जाएगा, N2 इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा ये जो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल स्ट्रिप के ऊपर ही रह जाएंगे ऐसे। ये देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन नेगेटिव हो गया है क्योंकि ये डिसॉल्व हो रहा है इनटू इट्स मैग्नीशियम आयन। ठीक है, Mg2+, Mg2+, Mg2+। अच्छा, कुछ टाइम के बाद बेटा क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, मैग्नीशियम रिबन ये बेटा इस तरह का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ मैग्नीशियम के जो एटम्स हैं वो डिसॉल्व हो चुके हैं इनटू इट्स आयन। तो ये मैग्नीशियम जो है रिबन थोड़ा थिन हो जाएगा और सॉल्यूशन में मैग्नीशियम आयन काफी ज्यादा आ जाएगा। और मैग्नीशियम आयन ने इस मैग्नीशियम रिबन को बेटा सराउंड किया होगा। ठीक है, ऐसे। अब मुझे एक और चीज बेटा आप लोग ये बताएं कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, आपको जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, ये जो नेगेटिवली चार्ज आपको बेटा इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं मैग्नीशियम रिबन पर, और सॉल्यूशन के अंदर आपको जो पॉजिटिव आयंस नजर आ रहे हैं मैग्नीशियम के, क्या इनमें बेटा कोई अट्रैक्शन होगी या नहीं होगी ये बताइएगा। होनी चाहिए ना इसमें अट्रैक्शन, कि जो नेगेटिवली चार्ज आपके पास मैग्नीशियम है वो पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा, अब ये अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग भी हो सकती है कि बाज मैग्नीशियम आयन क्या करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा गेन कर लेंगे, और गेन करने के बाद ना बेटा इस तरह का आपको नजर आएगा। देखें, ये कॉन्सेप्ट बेटा अभी आपको पहले यहां पर समझना है, फिर आप, मैं इसको आगे लेके चलूंगा। इस तरह होगा कि कुछ मैग्नीशियम आयन जो के सॉल्यूशन में थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा सॉलिडिफाई हो जाए। ठीक है, लेकिन बेटा साथ साथ ये भी हो रहा होगा कि कुछ मैग्नीशियम एटम मजीद आयोनाइज भी हो रहे होंगे,
ये काम एट अ टाइम हो रहा होगा। अभी देखिए ये फिर सुने मैं क्या बता रहा हूँ कि इनिशियली आपने मैग्नीशियम रिबन को वाटर में डाला तो मैग्नीशियम जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये होगा कि जो मैग्नीशियम आयन बेटा सॉल्यूशन में थे, ये जो मैग्नीशियम आयन सॉल्यूशन में आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये मैग्नीशियम आयन क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज मैग्नीशियम रिबन, और उसमें से बाज मैग्नीशियम आयन इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे कि बेटा वो अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा रिक्लेम कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम अभी एस्टेब्लिश होने जा रहा है। इक्विलिब्रियम बेटा क्या एस्टेब्लिश होने जा रहा है कि कुछ मैग्नीशियम आयन जो कि बेटा दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं सेम रेट के साथ, कुछ मैग्नीशियम एटम आयंस भी बना रहे होंगे। सपोज करते हैं अगर दो मैग्नीशियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम एटम बना रहे हैं तो दो ही मैग्नीशियम एटम आयन में जा रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि एट दिस टाइम रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पर आ गया है। तो मैं इसकी बेटा डेफिनेशन यहां पर ये लिखता हूं कि अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव, अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव व्हेन द रेट एट विच आयंस आर लिविंग, आयंस आर लिविंग द सरफेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट एट विच they are joining it again. बेटा ये मैंने ये बात लिखी है, देखें कि आप जब वाटर के अंदर मैग्नीशियम रिबन को बेटा डालेंगे तो मैग्नीशियम एटम तो डिसॉल्व होंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स कुछ टाइम के बाद बेटा इस तरह का आपको पता चलेगा कि कुछ अगर दो मैग्नीशियम एटम मैग्नीशियम आयन में जा रहे हैं तो दो ही मैग्नीशियम आयन सॉल्यूशन से दोबारा मैग्नीशियम एटम भी बना रहे हैं। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम जिसमें द आयंस व्हिच आर लिविंग द सरफेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द आयंस व्हिच आर ज्वाइनिंग इट अगेन। बेटा मुझे कोई बच्चा ये बताया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम यहां पर कैसे आएगा, कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा पहले आप क्वेश्चन पूछिए। शाबाश सर, असल में जो ये मैग्नीशियम है ये वाटर के साथ रिएक्ट करने की वजह से आयंस बना रहा है, यानी ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है। जी बेटा ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल बिल्कुल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है। वाटर से बेटा इसका रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। यू आर राइट। लेकिन बेटा कोई बच्चा मुझे ये एक्सप्लेन करके दे सकता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे यहाँ एस्टेब्लिश हुआ है? शाबाशी पूरी अगर मुझे कोई बच्चा स्टोरी जल्दी से बता दे। जी बेटा जितने मैग्नीशियम आयंस फॉर्म हो रहे होंगे इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली क्या हुआ मुझे ये बताएं कि ये मैग्नीशियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, पहले ये बताएं ये मैग्नीशियम स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसकी वजह से। Yes, तो जो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन है वो मेटल स्ट्रिप के ऊपर आ रहे हैं और आयन सॉल्यूशन में जा रहा है, राइट? अच्छा, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा बेटा कि ये जो मेटल स्ट्रिप के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैग्नीशियम आयन को अपनी तरफ दोबारा अट्रैक्ट करेंगे और इस अट्रैक्शन में ये होगा कि बास अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्गर होंगी कि कुछ मैग्नीशियम आयन दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा सॉलिडिफाई हो जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ मैग्नीशियम एटम आयंस भी बना रहे होंगे। तो बेटा इस डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए मैं अगर ये इक्वेशन लिखूं तो मुझे बताएं क्या ये ठीक है कि Mg2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Mg। बट ये मुझे बताएं ये क्या हो रहा है, इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? Mg2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg बना रहा है, इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और बेटा इस एट द सेम टाइम
मैग्नीशियम इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, Mg2+ में जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो मुझे ये बताएं, क्या मैं इसको नहीं कह सकता कि दिस इज रिडॉक्स इक्विलिब्रिया, कि ये रिडॉक्स इक्विलिब्रिया है भाई, कि इसमें रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, और दोनों इक्विलिब्रियम पर आ गए। तो दिस इज रिडॉक्स इक्विलिब्रिया, ठीक है। अब बेटा मसला पता क्या है, मैं यहाँ पे नीचे दो डायग्राम्स बनाता हूँ, आप जरा देखिएगा उसको। ये है जी मेरे पास मैग्नीशियम, ये है वाटर, या चले मैं नीचे मैग्नीशियम का ही सॉल्ट ले लेता हूं, MgSO4 एक्वस। इसकी कंसेंट्रेशन है 1 mole per cubic decimeter, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कंसेंट्रेशन। अच्छा दूसरा जरा देखिएगा बेटा, यहां पर एक और बीकर है, इस पे मैंने लिया है बेटा कॉपर, और जो इलेक्ट्रोलाइट है यहां पर कॉपर सल्फेट एक्वस, कंसेंट्रेशन इज 1 mole per cubic decimeter, और यहां पर बेटा ये है। आप मुझे बताएं कि इस डायग्राम ए में और डायग्राम बी में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, मतलब मैग्नीशियम स्ट्रिप के ऊपर आपको क्या इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज ज्यादा नजर आ रहा है, और कॉपर स्ट्रिप के ऊपर आपको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? जी बेटा ऐसा क्यों है कि मैग्नीशियम स्ट्रिप इज मोर नेगेटिव, कॉपर स्ट्रिप इज लेस नेगेटिव, रीजन बताएं। शाबाश, मैग्नीशियम रीडली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा और कॉपर नहीं कर पा रहा होगा। क्यों क्यों बेटा ऐसा क्यों है? जी बेटा कोई और बच्चा बताए। सर बिकॉज कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, आई एम नॉट श्योर। देखिए आयंस तो बन रहे हैं, इट मींस कि कॉपर आयोनाइज तो हो रहा है ना। या ओके, और मैग्नीशियम भी आयोनाइज हो रहा है, लेकिन माय क्वेश्चन इज व्हाई मैग्नीशियम स्ट्रिप इज मोर नेगेटिव। तो इसका बेटा सिंपल सा आंसर ये है कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन रेडिली। ये बात ठीक नहीं है, ये तो ओ लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना? यस सर, या। अच्छा अब मुझे ये बताएं बेटा, आपको अगर इस स्ट्रिप को आप देखें तो मैग्नीशियम स्ट्रिप या जो इलेक्ट्रोड है दिस इज नेगेटिव, और सोल्यूशन में पॉजिटिव आयंस हैं जो कि मैग्नीशियम के, और इसी तरीके से बेटा अगर आप बीकर बी में देखें तो आपको सॉल्यूशन में कॉपर 2 आयंस नजर आ रहे हैं और मेटल स्ट्रिप इज नेगेटिव। डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिवनेस, मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले, डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिवनेस इन सॉल्यूशन एंड नेगेटिवनेस On electrode is called potential difference. ये बताया बात ठीक है कि जो आपको charges का difference नजर आ रहा है किसके दरमियान, solution में जो बेटा positive ions हैं, electrode के ऊपर जो negative charge है, इनका जो difference होगा, क्या मैं इनको potential difference कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? ये जो metal strip के ऊपर negative charge और जो solution के ऊपर positive, जो solution के अंदर positive charge है बेटा, इन चार्जेस के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किस यूनिट में किया जाता है बताएं, पोटेंशियल डिफरेंस को किस यूनिट में मेजर किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्टेज, है ना? जी सर, यस सर। ये देखें पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो रहा है, भी हम आगे जाकर टॉपिक जो है ना सही स्टार्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्टेज। मुझे अब ये बता सकते हैं बेटा इन दोनों डायग्राम्स को देखकर कि ए बीकर में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा या बी में, कहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? मैग्नीशियम वाले में। यस, बीकर ए में। द रीजन इज वहां पर पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस का डिफरेंस ज्यादा है,
और बीकर बी में क्या होगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा क्योंकि वहां पर पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस का डिफरेंस कम है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो बीकर ए है इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, बीकर बी का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। अब मुझे ये बताएं पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या नहीं? Yes, sir. लेकिन यहां पर बेटा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो आपके पास वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर इसके साथ आपको पता है एक प्रोब होता है जो आप किसी भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे अगर आपने वोल्टेज फाइंड आउट करना। बेटा ये जो प्रोब है जो आपने डिप किया है ये किस चीज का बना होता है बताइएगा? ये जो वोल्ट मीटर के साथ एक बेटा प्रोब होता है जो आप किसी भी सॉल्यूशन में डिप करके वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे वो किसका बना होगा? वो मेटल का बना होगा। किसका बना होगा बेटा? मेटल का। मेटल, तो मुझे ये बताएं जैसे ही आप इस मेटल को जो कि वोल्ट मीटर का पार्ट है इस सॉल्यूशन में डिप करेंगे, क्या ये मेटल भी वही काम नहीं करेगा जो मैग्नीशियम ने किया है? बिल्कुल करेगा। ये भी कुछ ना कुछ बेटा आयोनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसलिए बेटा आप कभी भी वोल्ट मीटर के थ्रू डायरेक्टली वोल्टेज फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप एब्सोल्यूट वोल्टेज फाइंड आउट नहीं कर सकते। इन दोनों बीकर्स के अंदर जो चार्जेस का डिफरेंस आ रहा है यू आर अनएबल टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वोल्टेज। तो फिर बेटा आप कैसे फाइंड आउट किया जाए, उसका एक और तरीका है बेटा जो मैं भी आपको बताता हूँ। अब अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है बीकर ए का, तो वी विल यूज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हम बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों यूज करेंगे बेटा, इसके पीछे आप स्टोरी सुन लें कि क्यों आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एनालॉजी बताता हूं और वो एनालॉजी ये है बेटा, आपके पास एक बेटा आपके पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है और आप काफी दूर खड़े होकर ये एक बॉय है जिसकी बेटा आप हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, आपको इसके फीट नहीं पता क्योंकि फीट इसके ग्रास के अंदर है। बेटा इसकी जो फीट है, इसकी जो फीट है बेटा वो ग्रास के अंदर है। आपको नहीं पता कि ये जो स्टूडेंट खड़ा हुआ है ये इसके फीट कहाँ पर है, तो क्या आप दूर से इस बच्चे की हाइट किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस से फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको फीट नजर नहीं आ रहे, बताइएगा जी। बेटा अब इस बॉय की बेटा हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट हाइट कि कितनी इसकी हाइट है जी? नो सर, नहीं नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्योंकि आपको उसकी फीट नजर नहीं आ रही। इसी तरीके से ये एक और स्टूडेंट है बेटा, ये एक और बॉय है जो कि आपने इसकी भी बेटा हाइट फाइंड आउट करनी है और आपको उसके फीट नजर नहीं आ रहे, तो आप इसकी भी हाइट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन बेटा आप क्या इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, इन दोनों ये ए में और बी में, कि इन दोनों जो ये बॉयज हैं इनमें कितना डिफरेंस है, इन दोनों पर्सन्स में कितना डिफरेंस है? यस, वो आप बता सकते हैं किस तरीके से, अगर आप इस इलेक्ट्रोड को, इस सॉरी पोल को आप रेफरेंस मान लें, ये जो पोल आपको नजर आ रहा है अगर आप इसको रेफरेंस बना लें, रेफरेंस, तो बेटा आप उस ऑप्टिकल डिवाइस से ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो बॉय ए है ना, बॉय ए, ये इस पोल से 5 सेंटीमीटर टॉलर है और ये जो बॉय बी है ये इस पोल से 2 सेंटीमीटर स्मॉलर है। तो बेटा क्या आपको दोनों पर्सन की हाइट का डिफरेंस पता चल गया या नहीं पता चला, बताइएगा? हाँ सर। लेकिन आपको इनकी एब्सोल्यूट हाइट नहीं पता चली, आपने ये हाइट किसकी हेल्प से निकाली बताएं, पोल के हेल्प से, पोल को आपने एज अ रेफरेंस यूज किया या नहीं किया? जी सर। तो यहां पर भी आप बेटा देखें, सेम आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं इस हाफ सेल में, तो यू विल यूज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा कौन सा होगा, मैं उसका नाम लिखता हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
ये बेटा इलेक्ट्रोड आप यूज करेंगे टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये बेटा अब आपका एग्जाम का एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सम टाइम एग्जामिनर कहता है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या आप इसकी लेबल डायग्राम ड्रॉ करें। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर बेटा आप जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो तो बना होगा प्लेटिनम का। इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है जिसमें आयंस होंगे वो एसिड होना चाहिए, जिसमें एच आयन बेटा लाजमी होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन एच आयन एंड हुज कंसंट्रेशन मस्ट बी इक्वल टू 1 mole per cubic decimeter। कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 mole per cubic decimeter। अच्छा अब इसकी डायग्राम जरा बेटा देखिएगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डायग्राम क्या है। ये बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें कोई भी बेटा आपने एसिड डाल देना है, लेकिन उस एसिड में जो एच आयन की कंसेंट्रेशन है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 mole per cubic decimeter। अच्छा फिर आप बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड लेंगे। इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया प्लेटिनम का लेना है। दिस इज द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम वायर होगी और बेटा जरा एक चीज आप लोग गेस करें, मैग्नीशियम के लिए मैंने अभी ना यहाँ पर एक रिडॉक्स इक्विलिब्रिया लिखा था मैग्नीशियम के लिए। क्या लिखा था? Mg2+2 electrons, it gives Mg। ये रिडॉक्स क्यों है कि फॉरवर्ड जो राइट साइड पर रिएक्शन हो रहा है दैट इज द रिडक्शन, और जो लेफ्ट साइड पर हो रहा है दैट इज द ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से बेटा आप जरा देखें कि यहाँ पर मैंने इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसके लिए रिडॉक्स इक्विलिब्रिया लिखना है बेटा। तो मुझे कोई बच्चा बोल सकता है इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? इससे हेल्प लें, शाबाश। इससे क्या रिडॉक्स इक्विलिब्रिया की इक्वेशन बनेगी? बोलें शाबाश। ऊपर मैग्नीशियम वाली देख के बता दे, मैग्नीशियम वाली देख ले, वही बेटा आपने काम करना है इधर भी। जी एच प्लस प्लस ई माइनस यस and it gives H2. ये आपका redox equilibria बन गया है कि H ion can gain the electron, hydrogen can lose the electron. लेकिन hydrogen gas किधर है बेटा? वो देखिए, वो मैं भी draw कर रहा हूँ। Hydrogen gas के लिए बेटा definitely आप जब gas use करेंगे तो कोई delivery tube होनी चाहिए। तो इसके लिए जो बेटा delivery tube है वो ये होगी। यहाँ से आप hydrogen gas pass करेंगे। क्या प्रेशर होना चाहिए हाइड्रोजन गैस का? 180 है। तो ये लेबल डायग्राम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो आपको आनी चाहिए लाजमी। ये आपको एग्जामिनर समटाइम ड्रॉ करने के लिए कह देता है, ठीक है? ये प्लेटिनम वायर है बेटा, इसमें प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में है। अच्छा बेटा अब ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, इसकी खास बात क्या है? इसको आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बनाया? रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा इसलिए बनाया कि इस हाफ सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो हमने एज्यूम किया हुआ है कि जीरो है। इस रेफरेंस सेल का जो वोल्टेज है दैट इज जीरो। अच्छा ये प्लेटिनम के ऊपर मैंने 3 नेगेटिव चार्ज डाले हैं, ये बताएंगे नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया प्लेटिनम के ऊपर? भाई प्लेटिनम खुद तो रिएक्शन नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। प्लेटिनम इज इनर्ट, प्लेटिनम ने बेटा डिसॉल्व नहीं होना। लेकिन प्लेटिनम के ऊपर ये जो 3 नेगेटिव चार्जेस मैंने डाले, ये क्यों डाले? कहां से आए? किसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे? किसकी वजह से बेटा? सर ये जो कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है कि ये प्लेटिनम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। अब बेटा जरा सुने, आप चाहते हैं कि इस मैग्नीशियम के अंदर ना जो नेगेटिवनेस और पॉजिटिवनेस है इनका डिफरेंस फाइंड आउट करें कि इसमें डिफरेंस कितना है। तो अब आप क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देंगे।
ये बेटा ऐसे, ये हाइड्रोजन गैस, ये प्लेटिनम, कंसेंट्रेशन ऑफ एच आइन 1 mole per cubic decimeter. ये आपने हमेशा लेबल करना है बेटा, ये आपके पास मैग्नीशियम, ये आपके पास MgSO4 aqueous, इसकी कंसेंट्रेशन 1 mole per cubic decimeter. ये बेटा वोल्ट मीटर, और ये सॉल्ट ब्रिज का आपको बाद में बताऊंगा फंक्शन क्या है, बस इसको भी फिलहाल डायग्राम के हिसाब बनाए। अब बेटा होगा क्या, आपको मैं बता चुका हूं कि ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, इसका वोल्टेज कितना होता है भाई, 0 होता है। जैसे ही आप बेटा इसको वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर के साथ आप इसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आएगी, सपोज आ रही है -2.37 volt. ये जो -2.37 volt आ रहा है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसका आ रहा है, किसका, मैग्नीशियम वाले हाफ सेल का। क्यों? क्योंकि बेटा इसका तो जीरो होता है, इसका तो वोल्टेज है ही नहीं, जीरो है, तो इसलिए वोल्ट मीटर पर जो भी रीडिंग शो होगी वो दूसरे हाफ सेल की होगी। अब इस माइनस का क्या मतलब है, ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। माइनस का जरा मतलब समझे, आप जरा बेटा यहाँ गौर करें और मुझे ये बताएं कि जो आपको इस सेल के अंदर दो मेटल स्ट्रिप नजर आ रही है, एक मैग्नीशियम मेटल स्ट्रिप नजर आ रही है और एक आपको बेटा ये प्लेटिनम की नजर आ रही है, विच वन इज मोर नेगेटिव, कौन सी मेटल स्ट्रिप मोर नेगेटिव है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की। अच्छा बेटा ये जो आपके पास ऊपर वोल्टेज नेगेटिव में आया है ना, ये वोल्टेज ये बता रहा है कि जो दूसरा हाफ सेल है ना, मतलब हाइड्रोजन की तो जीरो है, ये जो हाफ सेल है आपका मैग्नीशियम वाला, इसका जो इलेक्ट्रोड है वो मोर नेगेटिव है देन प्लेटिनम। बेटा जो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा ना, जब भी आपका वोल्टेज नेगेटिव में आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपका वोल्टेज नेगेटिव में आ रहा है, इट मींस कि ये जो आपका हाफ सेल है विच इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड, दिस हाफ सेल या दिस मेटल इज मोर नेगेटिव, दिस मेटल स्ट्रिप इज मोर नेगेटिव देन प्लेटिनम। ठीक है, अब जरा देखिए आप बेटा, आपको यहां पर कुछ वैल्यू पॉजिटिव में भी दिख रही है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये एल्यूमिनियम बेटा देखें, एल्यूमिनियम प्लस 3 electrons, इट गिव्स Al, बेटा इसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितनी आ रही है, -1.66. इसका मतलब आप क्या लेंगे कि आप जब एल्यूमिनियम हाफ सेल को आप कपल करेंगे या अटैच करेंगे विद दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा, जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है दैट वुड बी मोर नेगेटिव देन प्लेटिनम, इसलिए इसकी ई नॉट इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस तरह करें कि इस मैग्नीशियम की जगह कॉपर ले लें बेटा, अब हम इस मैग्नीशियम की जगह लेते हैं कॉपर, पहले यहां लिख दे, मैं इसको लिख देता हूं, नेगेटिव वोल्टेज मीन्स मैग्नीशियम स्ट्रिप इज मोर नेगेटिव, आप इसको मोर रिएक्टिव भी कह सकते हैं, मोर रिएक्टिव देन, बेटा किसके मुकाबले में ये बताएं, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन, किसके मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होगा, किसके मुकाबले में, प्लेटिनम, नो हाइड्रोजन, प्लेटिनम इज इनर्ट बेटा, प्लेटिनम कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, प्लेटिनम का सिर्फ रोल ये है कि इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर द रिएक्शन, ये आपको सरफेस प्रोवाइड करेगा ताकि इस पर रिएक्शन हो, असल में जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन के साथ हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम स्ट्रिप इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेकिन बेटा अगर आप इसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करें कॉपर के साथ, दिस इज द कॉपर, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस 1 mole per cubic decimeter, ये कॉपर है, ये बेटा हाइड्रोजन गैस है एट 1 atm, ये प्लेटिनम है, ये कंसेंट्रेशन ऑफ एच आइन 1 mole per cubic decimeter, ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन कल बताऊंगा बेटा इंशाल्लाह। अच्छा अब देखिए बेटा,
अब मुझे ये बताएं बेटा कि कौन सी मेटल स्ट्रिप इज मोर नेगेटिव, कॉपर? अच्छा ये, पहले ये देखें कि आपके पास अब जो वोल्टेज आएगा ना यहाँ पर कॉपर के केस में, दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट्स। बताएं कि वोल्टेज पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है? पॉजिटिव में। जब वोल्टेज नेगेटिव में आ रहा था तो आपने इसका क्या मतलब लिया था बेटा? वोल्टेज नेगेटिव में आ रहा था इसका मतलब ये था कि जो आपका हाफ सेल है ना, मतलब मैग्नीशियम, बेटा ये तो जीरो होगा ना रेफरेंस, जो हाफ सेल है दैट इज मोर नेगेटिव देन देन हाइड्रोजन। उस मेटल स्ट्रिप के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है प्लेटिनम के मुकाबले में। लेकिन अब आपका जो ई नॉट है, वोल्टेज है बेटा, ई नॉट छोड़े वोल्टेज, अभी इसको पढ़े, आपका जो वोल्टेज है बेटा वो आ रहा है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में आने का क्या मतलब है कि जो आपका कॉपर मेटल स्ट्रिप है वो लेस क्या होगा बेटा, वो लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव देन प्लेटिनम, राइट? जी सर। इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं ये कह सकता हूं, मुझे आपने यस और नो करके बेटा बताना है, कि अगर मैं ये कहूं कि कॉपर को जब मैंने हाफ सेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया तो जो मेरा वोल्टेज आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन? यस सर, यस, ये मैं कह सकता हूं बेटा, क्योंकि देखिए कॉपर की जो स्ट्रिप है दैट इज लेस नेगेटिव, अगर लेस नेगेटिव है इट मींस दिस इज लेस रिएक्टिव ना। क्यों लेस नेगेटिव है, रीजन कौन बच्चा बताएगा, क्यों कॉपर की स्ट्रिप लेस नेगेटिव है? रीजन, क्योंकि ये रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता बेटा, ये रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम आएंगे। जोन सा मेटल रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी मेटल स्ट्रिप मोर नेगेटिव होगी, जोन सा मेटल रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा उसकी मेटल स्ट्रिप कम नेगेटिव होगी। तो कॉपर स्ट्रिप बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड लेस नेगेटिव है या मोर नेगेटिव है, जरा मैग्नीशियम से ही कंपेयर कर ले। जी बेटा, लेस नेगेटिव है या मोर नेगेटिव है कॉपर स्ट्रिप एज कंपेयर टू मैग्नीशियम? लेस नेगेटिव है बेटा, लेस नेगेटिव है। तो लेस नेगेटिव है तो आप देख लें, अब इसको कंपेयर करें इसके साथ बेटा, अगर कोई मेटल जिसकी स्ट्रिप लेस नेगेटिव होगी देन प्लेटिनम, तो उसका जो वोल्टेज होगा वो हमेशा किस में आएगा बताइएगा? पॉजिटिव में सर, पॉजिटिव में। फॉर एग्जांपल अब जरा यहां पर आए, इस डेटा बुकलेट पर बड़ा जरा ये सिल्वर की जरा वोल्टेज फाइंड आउट करें। अभी ई नॉट में आपको बताता हूं क्या है, सिल्वर आयन की वोल्टेज कितना आ रहा है? 0.80। इससे आपको क्या समझ आ रहा है, ये बताएं, इस वैल्यू से आपको समझ क्या आ रहा है कि जब आपने, इससे आपको समझ ये आ रहा है, देखें मैं आपको यहां पर बताता हूं, आपको इससे ये समझ आना चाहिए कि हम जब सिल्वर मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा, कुछ सिल्वर आयंस में चले जाएंगे डेफिनेटली, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप जब इसको वोल्टमीटर से कनेक्ट करेंगे, और यहां बेटा आप इसको प्लेटिनम से, ये मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा जल्दी से बना रहा हूं इसको, ऐसे ही बस आप फिलहाल समझ लें। तो बेटा ये जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना प्लेटिनम, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस की तरफ से आ रहे, तो अगर आपका जो हाफ सेल है वो लेस नेगेटिव होगा प्लेटिनम के मुकाबले में, देन योर वोल्टेज वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बताइएगा शाबाश? अगर आपका हाफ सेल सिल्वर लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू प्लेटिनम, तो वोल्टेज किस तरह आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो आप देख लें बेटा, यहां पर सिल्वर पॉजिटिव में आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, तो ये जो वोल्टेज आपकी पॉजिटिव में आ रही है इसका मतलब है कि दीज मेटल्स जो है बेटा ये लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, ठीक है? और जिनकी बेटा नेगेटिव में आ रही है तो आप कहेंगे दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? अब बेटा एक स्टेप और आगे चलते हैं,
अगर मैं आपसे ये कहूं इसी सेल की बेटा हम बात करते हैं, देखें ये मैंने वोल्ट मीटर हटा दिया बेटा रास्ते से और वायर कनेक्ट कर दिया, इस बीच में बल्ब लगा दिए, बेटा आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? क्या इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब क्योंकि वोल्ट मीटर तो हटा दिया ना, वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस होता है जो करंट को पास नहीं होने देता और वो एग्जैक्ट वोल्टेज आपको बताता है, लेकिन अब मैंने वोल्ट मीटर हटाकर बल्ब लगा दिया, बताइएगा कि क्या अब करंट पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस वायर के थ्रू? होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे ये बताइए। शाबाश सर, हाइड्रोजन से मूव करेंगे हाइड्रोजन की तरफ। यस, आप बेटा ये सोचें कि किस इलेक्ट्रोड पर मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस इलेक्ट्रोड पर है? शाबाश बताइएगा। कॉपर पर। मैं इसमें अच्छा खासा डिफरेंस कर देता हूं ताकि आपको बेटा मैं आपको यहां अच्छा खासा डिफरेंस डाल दूं। ये देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, बेटा कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है बताएं शाबाश? प्लैटिनम। प्लैटिनम, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके ख्याल में कहां से कहां मूव करने चाहिए, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन? हायर टू लो। लेकिन सर बेटा इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी। जी बेटा फिर बोले सर, प्लैटिनम तो आयनाइज ही नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नहीं हो रहा, मैंने कब कहा आयनाइज हो रहा है, लेकिन ये प्लैटिनम के जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां से आए हैं? दीज आर कमिंग फ्रॉम द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से, तो ये तो हाइड्रोजन से आए, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से इधर ट्रेवल करेंगे नहीं करेंगे ये बताइएगा। करेंगे। अच्छा ये बताएं व्हिच इलेक्ट्रोड इज मोर नेगेटिव एंड व्हिच वन इज लेस नेगेटिव? प्लैटिनम वाला मोर नेगेटिव है और कॉपर वाला लेस नेगेटिव है। बेटा ये जो आपका कहेंगे कि दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो कॉपर है इसको आप कहेंगे दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब बेटा आप ये सोचें कि अब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम प्लैटिनम टू कॉपर, यहां से इधर मूव कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में रिएक्शन जरा क्या होगा जी? इस बीकर बी का रिएक्शन जरा बताएं, बीकर बी में क्या रिएक्शन होगा? इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, सोर्स क्या है जी इस इलेक्ट्रॉन का? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज पता है कैसे करता है? ये देखें ना, H2 इट गिव्स 2H+। अच्छा पहले आप इस तरह लिखें, आसानी के लिए आप पहले इसका रिडॉक्स इक्विलिब्रियम ही लिखें, इसमें H+ दो इलेक्ट्रॉन इट गिव्स H2। अब जरा सोचें जी आप कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में लूज हो रहे हैं, क्या लेफ्ट साइड पर एरो या राइट साइड पर? इलेक्ट्रॉन लूज कब होंगे, जब रिएक्शन लेफ्ट साइड पर मूव करेगा या राइट साइड पर? लेफ्ट साइड पर। तो इसलिए बेटा आप इक्वेशन को सेट करके खुद लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन लूज करवाने तो H2 इट गिव्स 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा देखें क्या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे बताइएगा। जी सर हो रहा है। क्या हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं हो रही? जी सर हो रहा। एनऑक्स, आपने एक वर्ड याद किया होगा एनऑक्स, के एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, इट मींस ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है दिस इज द एनोड, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो रही है। अब बेटा देखें ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स जारी बात है प्लेटिनम के ऊपर आ जाएंगे ना, और हाइड्रोजन आयन कहां चले जाएंगे सॉल्यूशन में। ये जो देखें रिएक्शन हो कैसे रहा है, ये जो हाइड्रोजन गैस है बेटा, ये हाइड्रोजन गैस अंदर आएगी, प्लेटिनम के ऊपर आकर रिएक्शन होगा, दो इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम के ऊपर और खुद ये हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो अब बेटा होगा ये कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां से ट्रेवल करेंगे ऐसे, बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, और बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंच जाएंगे, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने सॉल्यूशन में कौन आएगा भाई? कॉपर टू आयन। तो कॉपर टू आयन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, कॉपर 2+ दो इलेक्ट्रॉन
एंड कॉपर सॉलिड, यहां रिडक्शन हो रही है बेटा। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहां रिडक्शन होगी, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वहां ऑक्सीडेशन होगी। जी बेटा गॉट इट। अभी इसको दोबारा कराता हूँ डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ, लेकिन ये समझ आया या नहीं आया? जी सर आ गया। एक और देखें बेटा, अभी अगर मैं इस तरह करूं, डायग्राम थोड़ी छोटी बनाता हूं ताकि, अगर बेटा इसको ऐसे किया जाए कि मैं मैग्नीशियम ले लूं स्ट्रिप, हाइड्रोजन गैस, ये है जी एच आइन वन मोल, दिस इज द प्लेटिनम, ये बेटा आपके पास मैग्नीशियम है एंड दिस इज द मैग्नीशियम सल्फेट वन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कंसेंट्रेशन। जी बेटा सर जो आपने हाइट वाला रेफरेंस दिया था, मतलब हाइट की जो एग्जांपल दी थी, उसके अंदर हम एग्जैक्ट हाइट नहीं फाइंड कर पा रहे थे, इस वजह से हमने उसको रेफरेंस पॉइंट से लिया था। और यहाँ पे मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम कंसंट्रेशन आयंस, मतलब ये समझ में नहीं आई बात किस तरह कनेक्टेड है उससे, कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को फाइंड करने के लिए हमने ये किया या रिएक्टिविटी के लिए? नहीं, हम जो असल में फाइंड आउट करना चाह रहे थे बेटा, हम देख रहे थे कि सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस और मेटल स्ट्रिप के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इनका डिफरेंस क्या है, ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड पॉजिटिवनेस एंड नेगेटिवनेस, और इस डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने वो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो यूज किया। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा क्योंकि हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, इसका वोल्टेज जीरो है, इसका वोल्टेज कितना है, जीरो वोल्ट, ये अज्यूम किया हुआ है। तो लिहाजा जब हम इसको कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर के साथ, तो वोल्ट मीटर के ऊपर जितनी भी रीडिंग शो होगी वो दूसरे हाफ सेल की होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की तो वोल्टेज जीरो है, तो वोल्ट मीटर जो भी वोल्टेज बताएगा वो बेसिकली दूसरे पार्ट की होगी। ये बेटा मैंने कहा था, ठीक है सर। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, अब ये मैंने मैग्नीशियम के साथ बेटा कनेक्ट किया, अब बताएं विच स्ट्रिप इज मोर नेगेटिव, ज्यादा स्ट्रिप नेगेटिव कौन सी है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वाली, और प्लेटिनम वाली लेस नेगेटिव है बेटा। तो बेटा जो मोर नेगेटिव है उसको मैं नेगेटिव कह दूंगा टर्मिनल, जो लेस नेगेटिव है उसको मैं पॉजिटिव कह दूंगा, है ना? जी बेटा बताइएगा ऐसे ही होगा? जी सर ऐसे। अब मुझे ये बताएं बेटा, मैंने आपको ये कहा था कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, वो मैंने इसको नेगेटिव क्यों कहा है, पहले ये बताएं, मैंने क्यों कहा कि ये नेगेटिव टर्मिनल है? क्योंकि जो इसकी मेटल स्ट्रिप है वो मोर नेगेटिव है ना, जी बेटा। यस सर। और मैंने बेटा इसको पॉजिटिव क्यों कहा, क्योंकि इसकी मेटल स्ट्रिप लेस नेगेटिव है। तो अब आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल ने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन, ये बताएं शाबाश। लूज करना होता है सर। यस, ये मैग्नीशियम विल लूज द इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली जो दूसरा होगा ना बेटा, क्योंकि अगर एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जो दूसरा एलिमेंट होगा या आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो भी तो लूज नहीं करेगा, वो गेन करेगा, देन इट वुड बी रिडॉक्स ना, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो दूसरा गेन करे। बेटा ये देखिए इनके एरोस जरा देखिएगा कि मैग्नीशियम विल लूज द इलेक्ट्रॉन, तो मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन ऐसे लिखूंगा, मैग्नीशियम इट गिव्स Mg2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताएंगे रिएक्शन समझ आया मैग्नीशियम का? जी सर। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा इधर मूव करेंगे ऐसे और बल्ब ग्लो करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे जिस प्लेटिनम के ऊपर, तो सॉल्यूशन में कौन से आयन है जो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन विल गेन द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जी बेटा बताइएगा
ये बात क्लियर हुई कि कैसे रिएक्शन हो रहा है? Yes, sir. अब मैं आपको बेटा सिर्फ लास्ट चीज बताता हूं कि ये देखिए जो मैंने अभी तक आपको जो मेरा मकसद था ना आज आपको क्लास में समझाने का, वो ये कि जो डेटा बुकलेट है इसमें आपको इन वैल्यूज का पता चले, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये पॉजिटिव का क्या मतलब, नेगेटिव का क्या मतलब। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज ई नॉट, ये ई नॉट लिखा हुआ है बेटा इसने, ये क्या है, व्हाट इज ई नॉट, इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस ई नॉट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और नॉट बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन। अभी आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये प्रणव जी ये बताएं, जब भी आप किसी मेटल स्ट्रिप को किसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा या नहीं होगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा जब भी आप किसी मेटल स्ट्रिप को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे? जी सर, होगा। तो डेफिनेशन देखिएगा, द वोल्टेज डेवलप, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज, वोल्टेज प्रोड्यूस या डेवलप व्हेन अ हाफ सेल, बेटा हाफ सेल ना इसको कहते हैं जो एक बीकर है, दिस इज द हाफ सेल, या आप इसको हाफ सेल को ये भी कह सकते हैं कि व्हेन अ मेटल इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हेन अ मेटल इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कि एक मेटल अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन, या व्हेन अ हाफ सेल इज कनेक्टेड विद द रेफरेंस इलेक्ट्रोड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। बेटा सुने मैंने क्या लिखा है, कि जब भी आप किसी हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं किसके साथ बेटा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, तो क्या वोल्टेज प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, आपको वोल्टेज मिलता है या नहीं मिलता बताइएगा, जब भी किसी हाफ सेल को आप, तो दैट वोल्टेज इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट वोल्टेज इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर इसमें तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ से ही सब कुछ हो रहा है, उसी का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, लेकिन सर उस तरफ से हाइड्रोजन के भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। बिल्कुल है, लेकिन हमने मैंने आपको क्या कहा कि हमने अज्यूम ये किया क्योंकि आपको डेटा बुकलेट में जितने भी ये वोल्टेजेस मिलेंगे ये सब हाइड्रोजन से आपने अटैच करके फाइंड आउट किया गया जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने एज्यूम ये कर लिया कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, और फिर आपने वन बाय वन हर हाफ सेल का, हर मेटल का आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको अब बस दो नोट्स लिखवाऊंगा, उससे बात मजीद क्लियर होगी। जो इम्पोर्टेंट समरी है वो ये कि अ वेरी नेगेटिव ई नॉट वैल्यू शोज that whatever is on the right hand side of the equilibrium, but ye sabse important note hai, isko bade dhyan se samajhna, release the electron readily and so is a good reducing agent। क्या मतलब है जी इसका, जरा समझिएगा। ये देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल वोल्टेज किसमें आ रहा है, माइनस पे आ रहा है। मैंने लिखा है कि अगर E नॉट वैल्यू बेटा क्या होगी, E नॉट वैल्यू क्या होगी अगर,
negative. So whatever is present on the right hand side pe kya hai? Boliye ga, jaldi se boliye beta. Right hand side pe kya cheez hai? Magnesium. So whatever is present on the right hand side, it will lose the electron readily. Agar E naught value more negative hai, it means aapka jo metal hai, wo electron kya karega? Lose karega. And it's a good reducing agent. Got it? What is present? Whatever is present on the right hand side of the equilibrium. Release the electron. Beta, dekhen jab ye idhar move karega, jo cheez right side par hai, jab wo idhar move karegi, to electron lose honge. Iske opposite, beta. Iske opposite. A very positive E naught value. Main phir statement likhta hu. ये दूसरी स्टेटमेंट है. अ वेरी पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू शोज दैट व्हाट एवर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्विलिब्रियम gains electrons readily and so is a good oxidizing agent. अब देखिएगा जी, जिस तरीके से सिल्वर है, चले जीरो पॉइंट एट जीरो बड़े, इसमें मैंने बताया कि ये वोल्टेज पॉजिटिव में आ रही है नेगेटिव में आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है. तो बेटा अगर पॉजिटिव आएगी तो वो कह रहा है व्हाट एवर इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, ये आयंस है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इधर जाएगा. तो अब शॉर्टकट ये हुआ कि अगर E नॉट वैल्यू बेटा किसी की पॉजिटिव में आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, बताएं. अगर E नॉट वैल्यू इज इन पॉजिटिव तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लूज करेगा, जल्दी से बोले. गेन करेगा. गेन करेगा. एंड देयर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और अगर किसी की E नॉट वैल्यू बेटा नेगेटिव में आ रही है तो बताएं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा. लूज करेगा. लूज करेगा बेटा. आज के लिए इतना काफी है. अभी इन्हीं दो लाइंस को हम कल अप्लाई करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर. हम दो सॉल्यूशंस को बेटा मिक्स करेंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं. स्लाइड से